तो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज और मेरे चैनल का नाम है जी आई जे रिव्यू। यार आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 4G के बारे में बताऊंगा और आपको ये डिवाइस जल्द ही पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिलेगी बहुत जल्द। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा डिज़ाइन की। भाई मुझे इसका बैक का डिज़ाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ना इसका कैमरा डिज़ाइन पसंद आया, क्योंकि यार इसका जो कैमरा डिज़ाइन है वो मिलता जुलता यार मोटोरोला के कैमरा डिज़ाइन से। ठीक है, अब बात करते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट डिस्प्ले डिज़ाइन की। तो आपको फ्रंट पे वही पुराना डिस्प्ले डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है, वो है जी वाटर ड्रॉप डिस्प्ले डिज़ाइन। अब बात करते हैं जी स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे आपको 6.9 इंच का एक स्क्रीन साइज दिया गया है। स्मार्टफोन में आपको फुल HD की रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है। इस स्मार्टफोन में आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया और ना ही आपको स्मार्टफोन में कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। इस स्मार्टफोन में आपको IPS का पैनल दिया गया है। भाई एकदम बेकार दी गई है डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के ना प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। उस डिवाइस में आपको न्यू चिपसेट देखने को मिल रही है, वो है जी MediaTek Helio G99। उस डिवाइस में आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको Mali G57 का GPU देखने को मिलेगा। अलबत्ता अगर बात की जाए ना MediaTek Helio G99 की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस लाइक ये एक गेमिंग फोन होने वाला है। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि ये चिपसेट कितनी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो के आती है या इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 4G में, तो फिर देखेंगे कि यार ये स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस किस तरह होगी। और स्मार्टफोन में हमें PUBG में 60 FPS तो ईजिली ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जी स्मार्टफोन के ना कैमराज के बारे में। बैक पे आपको 50 MP का एक मेन कैमरा दिया गया है, 30 MP का आपको यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, 2 MP का आपको यहाँ पे डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है और आपको 4 कैमराज के साथ ही 4 LED फ्लैश लाइट की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा के बारे में। तो आपको फ्रंट पे 8 MP का एक सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों आपको फ्रंट पे कोई भी डुअल LED फ्लैश लाइट की ऑप्शन नहीं प्रोवाइड की गई। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है और स्मार्टफोन में आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन नहीं प्रोवाइड की गई। तो भाई एंड पे मैं यही कहना चाहता हूँ, डिवाइस एक अच्छी डिवाइस तो है, लेकिन ये डिवाइस एक गेमिंग बेस्ड डिवाइस है, कैमरा बेस्ड डिवाइस तो है, लेकिन जो डिज़ाइन लवर है ना भाई, उनके लिए डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये डिवाइस एक कैमरा बेस्ड डिवाइस है और ये डिवाइस एक गेमिंग बेस्ड डिवाइस है। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को लाजमी दबाना। तो आज के लिए इतनी वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।